हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंजेक्शन मेंटेन 500 का फुल रिव्यू करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपको यूजेस बताऊंगा, साइड इफेक्ट बताऊंगा, इफेक्ट बताऊंगा, कंपोजिशन भी बताऊंगा, रेट भी बताऊंगा, दवाई का तरीका लेने का क्या है वो भी बताऊंगा, कंपनी का क्या नाम है और क्या डोज है कि सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इंजेक्शन का नाम है मेंटेन, ठीक है फ्रेंड्स, और ये 500 और 250 एमजी में, 500 एमजी में और 250 एमजी में, दोनों में मार्केट में अवेलेबल है। 500 मेंटेन 500 इंजेक्शन का जो रेट रहता है वो रहता है 237 रुपए एक इंजेक्शन का, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको मैन्युफैक्चर कर रही है जगसनपाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जगसनपाल कंपनी का ये शनड का प्रोडक्ट है, ये जेनरिक नहीं है, ये मेडिकल स्टोर से आपको रेट टू रेट ही मिलेगा। और ये शेड्यूल्ड ड्रग है, बिना डॉक्टर की सलाह से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके यूजेस के बात करेंगे कि इसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या इसके फायदे होंगे और किस रोग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। जिन लेडीज में प्रोगेस्टेरोन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सबसे ज्यादा इंजेक्शन मेंटेन को सुगेस्ट करते हैं, एडवाइज करते हैं। जिन लेडीज को एमसी पीरियड रुक रुक कर आते हैं, उस कंडीशन में भी इस दवा को इस्तेमाल लाया जाता है, ठीक है। या फिर जिन लेडीज को 9 महीने से पहले बच्चे गिर जाते हैं, यह उस जोखिम में काम करने में मदद करता है। कुछ लेडीज को 9 महीने से पहले ही बच्चा गर्भ से बाहर निकलना दिखाई देता है, निकलता है, तो उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, उस जोखिम को ठीक करने में बहुत ही सहायता करता है। और 9 महीने से पहले वाले जोखिम को ठीक करने में काम करेगा ये इंजेक्शन। और जिन लेडीज को खतरा रहता है 9 महीने से पहले बच्चे गिरने का, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन मेंटेन बहुत ही काम करता है, ठीक है फ्रेंड। और एक चीज का विशेष ख्याल रखें, जिन लेडीज को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, अस्थमे की प्रॉब्लम या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, तो ध्यानपूर्वक उनको रहना चाहिए और ये दवा उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेकर फिर इस दवा को उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर या अंदरूनी कैंसर भी होता है, तो वो लेडीज ध्यानपूर्वक इस दवा को इस्तेमाल करें। 9 महीने से पहले डिलीवरी हो जाना माँ और बच्चों के लिए, दोनों के लिए खतरा ही होता है। और एक चीज का विशेष ख्याल रखें, इस इंजेक्शन को सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज ही इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। और इस इंजेक्शन का कंपोजिशन रहता है हाइड्रो प्रोगेस्टेरोन कॉर्पोरेट, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका कंपोजिशन रहता है। इसका तरीका क्या है, जैसे आपने इस महीने सपोज कर 1 तारीख को इंजेक्शन लगवाया, तो नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को ही लगेगा। ऐसे कर करके आपको ये 4 से 5 इंजेक्शन लगवाना आवश्यक है। जब बच्चा 100 दिन का हो जाता है, 100 दिन से ऊपर का हो जाता है बच्चा, तो गिरने की संभावना या बच्चे के खराब होने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये जिन जो मैंने आपको बताई हैं, इन मर्ज में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको कंपोजिशन बता दिया, रेट बता दिया, कंपनी का क्या नाम है ये भी बता दिया, और ये 2 ml का, ये देख सकते हैं 2 ml का, इसके साथ ये अम्प्यूल है और इसके साथ कंपनी ये 2.5 ml की सिरिंज भी साथ देती है। इसी सिरिंज से इसको इंजेक्शन को लगाया जाता है और ये सिर्फ औरत को लेडीज को लगता है, ये जेंट्स को नहीं लगता है, ठीक है। और ये सिर्फ इंटरमस्कुलर लगाया जाता है, IM, ये इंजेक्शन सिर्फ इंटरमस्कुलर ही लगाया जाता है। IV ये इंटरवेन में इसको नहीं लगाया जाता, इस पे लिखा हुआ है फॉर इंटरमस्कुलर यूज ओनली। तो मैंने आपको इसको बता दिया है कि किस प्रॉब्लम में इसको लगाया जाता है। जिन लेडीज को 9 महीने से पहले डिलीवरी होती है, तो या फिर 9 महीने से पहले ही बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और जो जगसनपाल का जो मेंटेन के नाम से कंपनी, जो जगसनपाल कंपनी का जो मेंटेन के नाम से इंजेक्शन है, वो शनड का है, नजदीकी मेडिकल केमिस्ट से आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं।
और डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल में लाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका तरीका। कंपोजिशन बता दिया है, रेट बता दिया है, लेने का तरीका बता दिया है, कंपनी का नाम बता दिया है, डोज बता दिया है और यूजेस बता दिया है। अब रहते हैं इसके साइड इफेक्ट। ठीक है, वैसे तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ लोगों को, कुछ लेडीज को हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पेट में सूजन हो जाती है, चिंता हो जाती है, निराशा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम इससे मरीज को देखने को मिल सकती है, ये इसके दुष्परिणाम है। बाकी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूं। डॉक्टर के सलाह के बगैर ये दवा इस्तेमाल ना करें, दवाई का कोर्स पूरा करें और दवाई परचेज करते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ध्यान रखें। कोई भी दवा एक्सपायर ना खरीदें, ना ही कोई दवा इस्तेमाल करें एक्सपायर। तो मेडिसिन का ओवरडोज ना लें, ये दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्थ और मेडिसिन से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।